Kedar Damdar Jadhav. Oh no, we are not talking about Kedar the batsman. We're talking about Kedar the bowler. Hashtag Akashwani. और ये किसने सोचा था यार, मैंने बिल्कुल नहीं सोचा था and I'm pretty sure उन्होंने भी नहीं सोचा था कि एक दिन उनकी बॉलिंग के ऊपर चर्चा होगी यार। ये मतलब कमाल कर रहे हैं, किस तरीके का गेंदबाज है। मुझे लगता है इनका एक्शन देख के तो वैसे लसित मलिंगा शर्मा जाए। इनके एक्शन को डिस्क्राइब करना बड़ा कठिन है। इसको खास क्या बनाता है? वैसे एक स्टोरी थी जो अनिल भाई ने, अनिल कुंबले जी ने शेयर की थी। देयर वाज अ गेम अगेंस्ट न्यूजीलैंड जिसमें उन्होंने बॉल डाली, दो तीन विकेटें ली। सो उसके बाद उन्होंने कहा चलो भैया बॉलिंग मीट, बॉलर्स मीटिंग है, केदार कम दिस साइड, बैट्समैन नहीं, अब बॉलर के साथ बैठो। उसने कहा भैया प्लीज रहने दो, अगर मैं अपने आपको बॉलर समझूंगा ना तो मेरी बहुत पिटाई होने वाली है। आई एम अ बैट्समैन, पार्ट टाइम मैं बॉलिंग करता हूँ, लेकिन इससे ज्यादा मैं अपने आपको सीरियसली नहीं लूंगा। जस्ट मैच से पहले एक दो ओवर डाल देता हूँ प्रैक्टिस सेशन में, बट उतना बॉलिंग करता नहीं हूँ नेट में, क्योंकि मुझे लगता है अगर ज़्यादा बॉलर बनने की कोशिश करूँगा तो जो कुछ है वो छूट ना जाए, इसीलिए मैं लिमिट में रहता हूँ। दैट्स वन ऑफ द कीज टू हिज सक्सेस। बट व्हाट इज मोर इम्पॉर्टेंट, उनका जो एक्शन है ना वो बड़ा अजीब सा, अजीब और गरीब सा है। वो क्या एक्शन है उनका? यहाँ से कहीं से हाथ आता है, इस तरह से डालते हैं हाथ, तो वो एक आजकल गाड़ियाँ आती हैं जिसमें एयर सस्पेंशन होता है, वो एयर सस्पेंशन में गाड़ी ऊपर नीचे चली जाती है। आप कर सकते हैं इफ यू फील लाइक, कभी ऊपर ले जाओ कभी नीचे ले जाओ, तो वो गेंदबाजी में ऐसा करते हैं। कैसे? जब उनको नीचे जाना होता है तो ये नी कोलैप्स कर लेते हैं, फिर यहाँ से गेंद फेंक देते हैं। थोड़ा सा अगर उनको ऊपर से डालनी होती है तो सीधे खड़े हो जाते हैं, तो यहाँ से गेंद फेंक देते हैं। और कहीं अगर गलती से राउंड द स्टंप्स चले गए ना तो उनको कोई खेल ही नहीं सकता, फिर तो यहाँ से जाके गेंद फेंक देते हैं। अब ये ऐसे एंगल से अगर गेंदबाजी होगी तो बल्लेबाज को पता कैसे चलेगा? तो उसमें दो तीन चीज़ें होती हैं। एक तो बाउंस ही नहीं होता, मतलब बॉल पड़ती है और इतनी सी बाउंस होती है सिर्फ। अब अगर इतनी बाउंस होगी तो पुल कैसे मारोगे, कट कैसे मारोगे? यू कांट डू दैट। तो दैट इज हिज स्ट्रेंथ। द अदर स्ट्रेंथ इज कि उसका जो गुच्छा होता है ना वो पिच मैप ऐसा है जिसमें यू कांट गो फॉरवर्ड, यू कांट गो बैकवर्ड। फॉरवर्ड खेल सकते हो लेकिन पिच तक नहीं पहुंच सकते, स्टेप आउट नहीं कर सकते, और बैकफुट पे तो खैर बाउंस ही नहीं है, मारोगे कैसे? देयर इज अनदर थिंग एक्चुअली, अगर बाउंस नहीं है तो यू कांट गेट एलिवेशन, मतलब शॉट तो आपने मारा लेकिन गेंद ने हवा पकड़ी ही नहीं है, तो दूर जाती नहीं है, वो आधे रास्ते में रुक जाती है गेंद। ऐसा पाकिस्तान के साथ भी हुआ था। तो फिर व्हाट इज द तोड़, मतलब इसको आप इसको कैसे तोड़ कहाँ से निकालोगे? मेरा ये मानना है अगर आपको कोई पार्ट टाइम बॉलर मिले ना तो उसको कोशिश करो छह गेंदों में छह सिंगल लेने की। एंड केदार जैसा बॉलर हो तो सिर्फ डाउन द ग्राउंड, सिर्फ सिंगल लो, ठप ठप, मिड ऑन मिड ऑफ, मिड ऑन मिड ऑफ। अगर आपने दो या तीन ओवर ये कर दिया ना, मतलब 18 गेंदों में अगर आपने 15 सिंगल निकाल दिए ना, आई कैन प्रॉमिस यू वो थोड़ा सा घबरा जाएंगे एंड ही विल एक्चुअली गो ऑफ हिज गेम प्लान, क्योंकि उतना फिर उनको समझ में नहीं आएगा अब क्या करना है। फिर वो विकेट लेने जाएंगे, फिर वो कुछ और करने जाएंगे, वो खराब बॉल भी डालेंगे, फुल टॉस भी डालेंगे, शॉर्ट बॉल भी डालेंगे। लेकिन अगर आपने उनको सिर्फ चौका छक्का मारने को देखा इतने बड़े बड़े ग्राउंड्स में, ऐसे उनके एक्शन से विदाउट एनी बाउंस, विद दैट काइंड ऑफ एक्यूरेसी विद रिगार्ड्स टू लेंथ, आप मार नहीं पाएंगे, आप फंस जाएंगे। तो फिर केदार दमदार जाधव, खैर कमाल का ये बॉलर है। एक चीज लेकिन आप सब जो घर पे देख रहे हैं, डोंट इमिटेट हिम, क्योंकि ये ना बैट्समैन तो ऐसा काम कर सकता है, अगर ऐसे बॉलिंग करे, ऐसे करके फेंक दे, टर्न ना हो और बाउंस ना हो एंड ऑल ऑफ दैट। इफ यू वांट टू बी अ बॉलर तो फिर हाई आर्म एक्शन, टर्न, स्पिन, बाउंस, ग्रिप, वो क्या कहते हैं, फ्लाइट एंड ड्रिफ्ट, वो सब कुछ आपको चाहिए। केदार को वो कुछ नहीं चाहिए। अब आपको क्या चाहिए? आपको चलो फटाफट से शेयर करो, लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करो। 3 लाख से हम बहुत ज़्यादा दूर है नहीं।